आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली न्यूज। दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसान। रायबरेली आज दर्जनों की संख्या में किसानों ने कलेक्टर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए मांग की कि NH 232 से रेल कोच से सटी हुई जमीन लेखपाल और SDM डलमऊ के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए किसानों से बातचीत की गई, जहां SDM डलमऊ के द्वारा किसानों को मुआवजे के रूप में जमीन की कीमत कम दी जा रही है, जिसको लेकर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी से मांग की कि उन्हें जमीन की सही कीमत दिलाई जाए। संवाददाता राजकुमार रायबरेली। नाम है आपका? राज किशोर सिंह बघेल। कहाँ से आए हैं? अहार से। क्या मामला है? मामला है जो गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे हमारे यहाँ से निकाला जा रहा है, किसानों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। NH 232 से सटे हुए जो प्लाट हैं उनका मुआवजा सामान्य भूमि के दर से दिया जा रहा है, जबकि रायबरेली से लेकर लालगंज तक कहीं पर आप जमीन इस समय खरीदिए तो 11,000 प्रति वर्ग मीटर की आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। और ये जिला प्रशासन, जिसके अध्यक्ष हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, इनकी चौखट पर आज आए हैं कि इनसे दरख्वास्त करने कि हुजूर हमको न्याय मिलना चाहिए, जो हमारा रेट है वो उचित हमको मिलना चाहिए।